हमारी शानदार चाय बिल्कुल रेडी है और पहला सिप पी के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। Hello all the beautiful people, welcome back to our channel. We hope you all are doing very well. इन्होंने मेरी जिंदगी भर से जान खाई हुई, इन्होंने भी आज तक ताजमहल नहीं देखा, तो मैंने बोला चलो जी लो अपनी जिंदगी, आज आपको दिखा के लाता हूँ। तो मैं कह सो लेट्स डू इट। तो चलिए आपको कराते हैं इंडियन वंडर, एक्चुअली वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की सैर। और मैंने भी तभी देखा था जब मैं बहुत नन्ना सा था, तो मुझे भी याद नहीं, सो लेट्स सी क्या क्या चेंजेस हुए और आपको भी अपने साथ दिखाएंगे। ओके, मैं बनाने वाला हूँ एक वर्ल्ड क्लास चाय। उससे पहले चाहिए आपको एक चाय पत्ती। तो मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, अगर अदरक अच्छी तरह कूटना हो इस छोटी सी बाल्टी में 2 बूंद पानी डाल लीजिए, उससे अदरक बहुत अच्छी तरह पीसा जाता है। और हमको चाहिए चाय के कप, जैसे कि हम 2 लोग हैं तो 2 चाय के कप विद छन्नी ऑफ कोर्स। एक और बात, हमेशा पानी नाप कर डालिए, क्योंकि अगर आप पानी नाप कर नहीं डालेंगे तो चाय हमेशा एक्सेस में बनेगी और उसमें वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो आप ढूंढते हो, याद रखिए। तो जैसे कि चाय का पानी उबल रहा है, हम वेट करेंगे कि अच्छी तरह चाय पत्ती अदरक के साथ घुल जाए, उसके बाद हम दूध डालेंगे। हमारी शानदार चाय बिल्कुल रेडी है और पहला सिप पी के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, अभी बहुत दिन बाद हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ जी, चलो मत्था देख लो। जय माता दी। बाहर क्या हाल हुआ है, इतना बुरा हाल हुआ है बाहर वेदर का, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रोड पे। आज का पोल्यूशन लेवल दिल्ली का 650 है, गुड़गांव का 700 प्लस है। तो ओ तेरी, ये देखो ना, ये जो अभी हुआ हुआ बाहर का एम्बियंस, मेरे को एक नेटफ्लिक्स की सीरीज थी याद दिला रहा है, क्या नाम था उसका, जिसमें ऐसे ड्रॉट था, लोग पानी खरीदते थे। हमने थोड़ा ब्रेक लिया हाईवे पे, पीछे का व्यू देखिए। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं भाई जर्नी। तो ऐसा है कि रश अभी गाड़ी चलाना सीख रही है। सीख गई हूँ मैं, बट मैं ट्रैफिक में निकालती नहीं हूँ। हाँ, तो ट्रैफिक में ज्यादा नहीं चलाते, होपफुली अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। हाथ साफ हो रहा है। तो कैसा फील हो रहा है स्टीयरिंग में बैठ के? डिवाइन। इतने घबराए क्यों लग रहे हो? इंडिकेटर दिए जा रहा है बकायदा। ओके, सो क्या हाल है? बढ़िया है, कुछ खाने को मिल गया। सुबह तो हम सिर्फ चाय और रस खा के निकल गए थे। और उस चाय की भी स्टोरी है, वैसे मैं बताने वाली थी एक्चुअली, मैंने बताया कैसे भी। तो सर जी ने फुल स्वैग में पूरे ट्यूटोरियल के साथ में चाय बनाई है, एंड इट्स नॉट अ लाई, ही मेक्स गुड टी। बट स्वैग के चक्कर में स्वागत हो गया था चाय का, और इतनी बुरी चाय थी एंड आई लिटरली हैड टू फिक्स इट। हेलो पीपल, फाइनली वी हैव रीच्ड। हम चल के जा रहे हैं ताजमहल की तरफ, एंड इट्स ऑल ग्रीन अराउंड। यहाँ से थोड़ी वॉक है मेरे ख्याल से 400-500 मीटर की, और ताजमहल भी बंद होने का टाइम हो रहा है। रास्ते पता नहीं फॉर सम रीज़न सिटी में थोड़ा ट्रैफिक मिला था, तो अब वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो ड्यू टू पोल्यूशन बहुत ग्लूमी सा वेदर है। आई होप हमको कुछ अच्छा व्यू मिल जाए ताजमहल का, अदरवाइज इतनी मेहनत हमारी बेकार नहीं जानी चाहिए। ताजमहल का 4 कोर्ट एरिया है, बट 4 कोर्ट इसलिए बोलेंगे शाहजहां टाइम में 4 गार्डन्स और 4 गेट कंप्लीट किए गए।
और ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट बिगर वन गेट रॉयल गेट शाही दरवाजा। जो रॉयल गेस्ट हाउस है ना, बट इसमें कोई रूम नहीं है, ओपन हॉल। अच्छा, शाहजहां जितने भी रॉयल फैमिली मेंबर्स किंग शाहजहां ओनली 1 आवर 2 आवर रेस्ट लेंगे। यू वांट टू डू समथिंग, इट्स रिकॉर्डिंग। Guys, I might sound like a kid, but this is really my first time to come to Taj Mahal. After seeing half of the world, I'm seeing Taj Mahal for the first time. Kya pehna hai? Shoe cover. Kyun pehna hai shoe cover? Kyunki allowed nahi hai jooton mein jana andar. Just like that. तो लेकिन जो रेप्लिका भी है, लेकिन वो मतलब ओरिजिनल के मतलब एज क्लोज जो बनाया है कि वो मतलब रेप्लिका रेप्लिका लगता है बिल्कुल। सेम डिजाइन एग्जैक्टली है, बट उसमें नीचे वाले में बॉडी है, ऊपर वाले में कुछ। अच्छा, कुछ नहीं। सो ओके गाइस, अभी निकलने का टाइम हो गया है और आप पीछे देख सकते होंगे स्मॉग है वेदर में एंड नथिंग इज विजिबल। तो जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, आई थिंक कैमरा में भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो वी नीड टू रीच होम एज वेल। सो होपफुली कैमरा में जितना भी हमने रिकॉर्ड किया ढंग से आ गया हो, वरना सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। बिकॉज कैमराज अलाउड नहीं है, वीडियोज अलाउड नहीं है, तो आई थिंक वी नीड अ बिग थम्स अप ऑन द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो पे। और आपको मिल जाएगी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स की लिंक राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज़ क्लिक टू दैट लिंक एंड फॉलो अस। And all don't forget to subscribe the channel if you haven't already. Thank you. Thank you. Hello. Hey, क्या लेकर आए? ये आगरे का पेठा। आगरे का पेठा। ये इसका स्वीट टूथ कभी खा लो फ्रेंड्स। इसका स्वीट टूथ कभी नहीं जाएगा। क्या ले भैया? अच्छा, तो हम रस्ते में रुकेंगे चाय पीने के लिए। मेरी तो बैटरी पूरी डाउन है और इसको देखो फुल मौज हो रही है। मौज क्या हो रही है? बहुत थक गए गाइस, अभी तो पूरा दिल्ली तक ट्रैवल करना है, अभी तो हाईवे पे भी नहीं पहुँचे हैं, पता नहीं कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो चाय पीने के बाद फिर देखो, होपफुली कुछ ताकत मिल जाए, ताकत मिलेगी तो दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। यो गाइस, वी आर ऑन द वे और रास्ते में बारिश शुरू हो चुकी है हाईवे पे। ये कोई खुश होने वाली बात तो है नहीं, ये पक्का एसिड रेन ही हो रही है। आपको आवाज आ रही हो? होपफुली आ रही होगी, आ रही होगी। अभी आधा रास्ता ऑलमोस्ट हो चुका है, आधे से थोड़ा सा कम, तो मोस्ट प्रोबेबली सीधा घर जाके ही रुकेंगे। रास्ते में डिनर करने हमारा प्लान नहीं है। बेसिकली ये जो एक्साइटमेंट दिख रही है यहाँ पे, ये घर जाने की, मुझे कुछ खिलाने की नहीं। क्यों? अभी हमारी डील फिक्स हो चुकी है, घर जाते ही नूडल्स खानी है, मेरे को बता दिया उन्होंने। घर जाके खाना मिलेगा तो कुछ मेरी पसंद का होना चाहिए। ऑसम सॉन्ग, ऑसम मौसम। यो यो, हम जस्ट घर में एंटर करे हैं और दोनों का बैंड बजा हुआ है। थैंक्स टू गॉड सब कुछ ठीक गया, सफर निकल गया एंड वी बोथ आर रियली टायर्ड। तो हमें बैंड बज गया, तो हम आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए, अगर आपको पसंद आए सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। So see you next time. Bye.